हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे यदि हमारे पास घर पर इस तरह की बच्चों की स्कूल बेल्ट्स रखी है, बेकार पड़ी है, तो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा एक DIY बना सकते हैं। और यदि आपके पास बेल्ट ना हो तो आप यहाँ पर फैब्रिक का भी यूज़ कर सकती हैं। फैब्रिक से आप बस इस तरह से सिंपल पट्टी बना लीजिए। मेरे पास ये एक बेल्ट थी, ये ना तो मेरे ही यूज़ की है और ना ही बच्चों के यूज़ की है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का यूज़ करके एक प्यारा सा DIY बनाया जाए जिसको पहले आपने कभी भी ट्राई ना किया हो। अब सबसे पहले जो ये बेल्ट है, इसका जो निचले वाला अनवांटेड पार्ट है उसको मैंने कट कर दिया है और ये डबल लेयर में है। तो अब इस तरह से मेरे पास ये एक जो पीस है वो निकल आया है इसमें से। अब इसी का मैं यूज़ करूँगी और बहुत ही प्यारा सा एक DIY आपके साथ शेयर करूँगी। ये डबल पट्टी है इसलिए मैं इसको तीनों साइड से स्टिच कर दूंगी ताकि एक मजबूत सी पट्टी बन जाए। बीच में से ये ओपन है ताकि ये ओपन ना रहे। तो आप यहाँ पर यदि आपके पास इस तरह की कोई बेल्ट है तो आप ग्लू के साथ उसको स्टिक कर सकती हैं या फिर आप सुई धागे से इसके साइड्स जो हैं, जो ओपन हैं, उनको क्लोज कर सकती। और मैं मशीन की हेल्प से यहाँ इसके तीनों साइड्स को क्लोज कर दूंगी। अभी मेरे पास सिलने के बाद एक मजबूत सी पट्टी बन गई है। हमें ऊपर की तरफ कोई अलग से डोरी लगाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसके ऊपर आप कुछ भी हैंग करोगे, जब ये रेडी हो जाएगा आप कुछ भी हैंग करोगे तो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही मजबूत बनेगी। और यहाँ पर मैंने अलग से एक डोरी ली है, ये मैंने अलग से फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके ये डोरी बनाई है। अब हमें अपनी जो बेल्ट है उसके ऊपर हमें इस तरह से इसको अटैच करना है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अंदर की तरफ रखते हुए इसके किनारे को हमें स्टिच करना है। हमें ऊपर की तरफ यहाँ किनारे पर मैं इसको स्टिच करूँगी, यहाँ इसको डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि ये खुले ना। और नीचे की तरफ जो पट्टी बची है उसको भी इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसके किनारे को भी स्टिच करना है। और अब इस तरह से जो नीचे की तरफ जितनी भी पट्टी हमारी बची है बस उसको इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और किनारे से स्टिच करते जाना है। पूरे ही पूरी जो हमारी बेल्ट वाली पट्टी है इसमें पूरे में हम इसको पट्टी को, जो ग्रीन वाली पट्टी है उसको कवर करेंगे। अब इस तरह से जो पूरी बेल्ट है उसके ऊपर मैंने इस तरह से ग्रीन पट्टी के साथ छोटे छोटे लूप्स रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल, कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है ये। अगर आप मार्केट में भी सर्च करोगे तो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, तो आप घर पर इसको जीरो कॉस्ट में बना सकते हैं और बहुत ही काम आने वाली है। अब इसमें जो बेल्ट में जो ऊपर की तरफ एक लोहे का एक हुक सा लगा हुआ था मैंने इसको निकाला है, निकाल कर थोड़ा सा इसको शेप दी है ताकि मैं इसको कहीं पर भी हैंग करूं तो ये हिले ना, बिल्कुल फिक्स रहे अपनी जगह पर। तो मैंने इसको थोड़ा सा शेप देकर इसको दोबारा इसके साथ फिक्स कर दिया है। और फ्रेंड्स, इस DIY को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी इसको हैंग कर सकती हैं। और मैं आपको इसको यूज़ करके बताती हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने इसमें पट्टी को ग्रीन कलर की पट्टी से जो छोटे छोटे हुप्स बनाए हैं, हम उसके अंदर अपने जितने भी हैंगर्स हैं उसको हैंग कर सकते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगा। आप खुद थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम इसको अपनी अलमीरा में इसको हैंग करेंगे तो हमारी अलमीरा में कितना सारा स्पेस बचेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा छोटा सा जो मैंने ट्राई किया है, छोटा सा जो नया एक आपके साथ DIY शेयर किया है, आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।